गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवरन बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। मेरे यूट्यूब चैनल DNM टेक्नोलॉजी सपोर्ट में आप सबको स्वागत है। तो आज मैं पहले आप सबको एक बधाई देना चाहता हूँ कि आज अभी का टाइम में जो शारद उत्सव चल रहा है, जो दुर्गा पूजा चल रहा है, मैं पहले आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या सबका ये शुभ समय अच्छे से बिताए आप लोग, और ये जो ओकेशन चल रहा है इसमें भी आप लोग सही से एंजॉय भी करें। तो मैं भी तो एंजॉय करूँगा, तब भी आज सुबह मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं आज आप सबके साथ में एक नया LCD रिपेयर रिलेटेड एक टूल्स के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो वो टूल्स शायद मैक्सिमम लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ को पता हो सकता है क्योंकि ये नया है। मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, एक पैनल टेस्टर, जो कि 4K पैनल टेस्टर है। नॉर्मली मार्केट में हम लोग पहले 2K तक का पैनल हम लोग चेक कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग को हाथ में एक 4K पैनल टेस्टर आ गया है। मतलब सिर्फ 4K नहीं है, हर एक पैनल हम लोग टेस्ट कर सकते हैं 2K से 4K तक। तो वो जो पैनल टेस्टर है वो मेरे पास आया है, तो मैं पूरा उसका डिटेल्स दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या फीचर्स है और उसको लेके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा चाइनीज वर्सन में है। उसका रिमोट भी जो है वो भी चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको कैसे हम लोगों की काम के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे उसका क्या तरीका है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं पहले जो बॉक्स को खोल लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्या है इसमें और एक पूरा पैकेट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। कभी कभी वो मिसिंग भी हो जाते हैं, तो एक्चुअल में फुल पैकेज में क्या क्या रहते हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और उसका वर्किंग भी मैं धीरे धीरे करके दिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा बॉक्स है जो कि मैक्सिमम चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और कुछ स्पेसिफिकेशन भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट पैकेट है, तो इसका अंदर क्या क्या है, जैसे कि मैंने इसका जो मेन टेस्टर मशीन है उसको मैंने निकाल लिया, ये है मेन मशीन है। और इसका जैसा टीवी का मदरबोर्ड में जैसे इनपुट सिस्टम होते हैं, सारे के सारे इनपुट भी इसमें अवेलेबल है, और इसका फीचर्स भी मैं दिखा रहा हूँ। तो बाकी इस पैकेट के अंदर और क्या क्या रहते हैं वो हम लोगों को देख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जो मेन मशीन है इसको मैंने निकाल ली है, और साथ में रहता है ऐसा एक एडाप्टर है जो 12 वोल्ट का ही है, लेकिन ये जो चाइनीज टाइप का है, ये हम लोग का नॉर्मल बोर्ड में यूज नहीं होता है इंडिया में, तो इसके लिए कन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो मैंने अलग से इसमें 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाया, तो एक सामान हम लोग को मिल गया। तो सेकंड ऐसे इसमें एक रिमोट रहता है, और इसमें भी देखिए सब चाइना लैंग्वेज में मैक्सिमम लिखा हुआ है, और कुछ कुछ इंग्लिश भी है लेकिन मैक्सिमम चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसको भी कैसे ऑपरेट करना है और कौन सा बटन क्या किस काम के लिए है वो भी हम लोग को हिसाब में कन्वर्ट कर लेना है। तो और बाकी इसमें अलग अलग टाइप का LVDS केबल रखा गया है, जो कि इस पैनल टेस्टर थ्रू हम लोग कोई भी पैनल को हम लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग केबल दिया हुआ है, इसमें कितना केबल है वो भी देख लेना है, क्योंकि ये केबल भी कभी मिसिंग हो सकता है। तो ये एक है जो कि देख पा रहा है, ये 51 पिन का है और फुल HD का है, और इसमें और एक देखिए ये भी एक कनेक्टर है, दो है, इसको निकाल लेते हैं। और बाकी ये तीसरी है, ये चार है, और ये पांच भी है, छः है, सात है, आठ है, और इसमें ये 9, 10, 11, और मेरा इसमें और एक लगा हुआ है 12,
साथ में और भी एक है, टोटल इसमें 13 LBDs केबल रहता है। क्योंकि ये केबल भी अगर आपको एक भी मिस हो जाएगा तो आपको पैनल के साथ ये टेस्टर कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। दिक्कत नहीं है, आपको पास अगर अलग से LBDs अवेलेबल होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतने सारा अलग अलग पैनल की साइज के हिसाब में LBDs केबल दिया हुआ रहता है। जैसा कि मैंने पहले से ही बोल दिया कि ये 4K पैनल भी इसमें टेस्ट होगा, 2K से 4K पूरा का पूरा इसमें टेस्ट हो जाएगा। और उसके लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें ये एक बैकलाइट जलाने के लिए भी एक कनेक्टर दिया हुआ है, या तो इसको बाहर से कोई सेट में अगर कोई पावर सप्लाई है, इसमें अगर अलग से सप्लाई नहीं देना चाहते तो इसमें से आप सप्लाई भी दे सकते हैं। इसके लिए भी सॉकेट दिया हुआ है, तो इसका ज़्यादातर काम नहीं है। तो इतने सारा केबल रहता है, ये एडाप्टर रहेगा, साथ में ये रिमोट रहेगा, और हम लोग का जो टेस्टर है वो भी इसके साथ रहते हैं। और ऐसा एक पैकेट के अंदर ही वो आते हैं। तो अभी देख लेता हूँ इसको ऑन करके किस कंडीशन में ये चालू होते हैं और इसको कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो पूरा शांति से देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसको एक मदरबोर्ड टेस्टर में ला के रखा, देख पा रहा है, एक मदरबोर्ड टेस्टर में ला के रखा, और ये भी 4K सपोर्टेड है, शायद देख पा रहा है ये 4K 2K लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का जो पैनल टेस्टर भी है ये भी 4K है और वो भी 4K सपोर्टेड है। तो मैं इस दोनों का बीच में, मेरे पास अभी पैनल नहीं है इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ, और रेजोल्यूशन भी चेंज करके एक एक करके मैं दिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा है। तो चले मैं पहले इसको लाइन देते हैं। तो इसमें इंडिकेटर आ गया है और मैं इसको अभी रिमोट से चालू करने जा रहा हूँ। हाँ, ये ऑन हो चुका है। इसको एक बार रिसेट कर लेते हैं। तो ये देख पा रहे हैं 1366 और 768 का ये रेजोल्यूशन में अभी ये सेट है। तो इसमें अभी देख पा रहे हैं ये चाइना लैंग्वेज में है, और मैं इसमें मेनू भी दबा रहा हूँ, देखिए ये चाइना लैंग्वेज में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दिखा रहा हूँ इस रिमोट में मेनू कौन सा है। ये जो देख पा रहा है ये 80 भी लिखा हुआ है, ये भी चाइनीज लैंग्वेज में है। ये है इस रिमोट का मेनू बटन है ये, तो इसको मैं दबा रहा हूँ, देखिए ये चाइना लैंग्वेज शो हो रहा है। तो पहले तो हम लोग को लैंग्वेज सेट कर लेना है, क्योंकि चाइना तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे रहते हैं, इसमें एक लाइट फ्लैशिंग हो रहा है। हाँ, तो मैं इसका मेनू दबा रहा हूँ और इसको ये कर्सर का प्लस बटन या माइनस कोई भी आप दबा दबा के कौन सा जगह पे ले जाना है वो देख लीजिए। एक ये शायद आप लोग जानते ही होंगे, ये टाइमर का है क्योंकि ये घड़ी दिखा रहा है। और इसके बाद हम लोग को जाना है, इसमें अलग टाइप का सेटिंग्स दिया हुआ है, नॉर्मली जैसा रहता है उस टाइप का नहीं है। तो ये सेटिंग्स है, तो इस ऑप्शन पे जाना है। ये लोगो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो इसमें आके एक बार ओके करना है, पहले एक बार ओके करना है। अभी भी ये इंग्लिश में ही चाइनीज में शो हो रहा है, ये मेनू चट तुरंत चला जाता है। आ गया इसमें, एक बार ओके दबा रहा हूँ, चाइना में है तो इसको एक बार ऊपर में दबाना है। देखिए इंग्लिश आ गया है, अभी इसको ओके कर लेते हैं। तो पहला जो हम लोग काम है ये लैंग्वेज सेटिंग है, ये पहले हम लोग कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं होगा तो चाइना में यूज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा करके आप लोग पहले इसका लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ये रिमोट का जो की फंक्शन है इसके बारे में देख लेते हैं। बाकी इसमें की पैड भी दिया हुआ, बटन भी दिया हुआ है, और इसमें रिमोट में क्या क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो 80 भी लिखा हुआ है ये मेनू का है, और इसके बाद ये जो
कर्सर डाउन का नीचे का जो पहला बटन है ये आपका इनपुट का बटन है, ये इनपुट का बटन है। तो मैं देखिए इनपुट दबा रहा हूँ, ये देख पा रहा है इसमें सिलेक्ट भी हो रहा है, तो मेरा ये HDMI अभी लगा हुआ है। तो इस बॉटम से आप लोग इनपुट सिलेक्शन कर सकते हैं, और इसका नीचे ये मीडिया है, अगर पेन ड्राइव चलाएंगे तो ये मीडिया का काम करेगा। और बाकी इसमें जो अगर कोई सेट में, ये तो पैनल टेस्टर में लगा हुआ है, इसमें से भी हम लोग JDAVISA जो मैपिंग आता है ये सेट कर सकते हैं, और इससे भी ये रिमोट थ्रू भी, क्योंकि आपको पैनल पे लगाना है, आप तो पैनल टेस्ट मदरबोर्ड टेस्टर पे नहीं लगाएंगे, तो तब अगर इसमें JDAVISA का कुछ दिक्कत आएगा तो हम लोग को ये जो बटन है JDAVISA चेंज करने का, ये जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये ब्लैंक है, इसमें से हम लोग JDAVISA मतलब मैपिंग का सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखिए मैपिंग जैसा सिम्टम आ गया है, इसको ही मैं दबा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करके जिसमें सेट होगा इसमें बिट चेंज हो रहा है, एक एक बार जो मैं दबा रहा हूँ इसमें बिट चेंज हो रहा है, तो आपको जिसमें चाहिए उसमें आप कर सकते हैं। तो अभी मैं नॉर्मली और एक चीज़ भी दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ इसका भी ऑपरेटिंग थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो ये अभी जो मैपिंग पॉइंट में है, तो इसको मैं अभी 2K मोड पर कर देता हूँ। देखिए ये जिसमें साइज से ये सेट होगा है, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिक बिट सिलेक्शन कर लेता है, और इसको भी हम लोग मैनुअली कीपैड दबा के चेंज कर सकते हैं। तो इसका हो गया है मैपिंग का JDAVISA का। और एक दिक्कत जो आएगा इसमें मिरर का, एक्चुअली सबको पता है जब हम लोग नया मदरबोर्ड कहीं पे लगाते हैं तो ये मिरर का इशू आता है, और आपका मैपिंग का इशू आता है। तो ये मिरर कैसे चेंज होगा, ये पे जो ये A1 दिख रहा है, ये A1 से मिरर सेट होता है। तो मैं देखिए ये अभी सीधा कंडीशन में चल रहा है, तो इसको मैं A1 दबा रहा हूँ, अभी मैं इसमें मेनू दबा रहा हूँ, देखिए उल्टा हो गया है। तो ये A1 दबाने से इसका मिरर काम करेगा, तो मैं अभी इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। एक बार सिग्नल खोलना है, ये सीधा हो गया, सिग्नल मैंने इसीलिए खुला क्योंकि इसमें HDMI लगा हुआ है, तो सिग्नल काट आउट हो गया था, इसके लिए ब्लैक स्क्रीन दिख रहा था। तो A1 दबाने से आपका जो मिरर का इफेक्ट है वो सीधा उल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को और ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, और नॉर्मली तो वॉल्यूम प्लस माइनस बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, म्यूट डिस्प्ले ये सब लिखा हुआ है। मेन जो फंक्शन है ये है मेनू है, ये इनपुट है, ये मीडिया है, और ये हम लोग का मैपिंग सेटिंग के लिए, बीट सिलेक्शन के लिए, और ये जो F1 है ये मिरर के लिए है। और पहले मैंने दिखा दिया ये लैंग्वेज कहाँ पे होते हैं, तो अभी तो ये बिल्कुल पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही चल रहा है। तो बाकी अभी आ जाऊँगा इसमें कैसे हम लोग रेजुलेशन सेट करेंगे वो देखना है, और कैसे ये वर्क कर रहा है इसको भी देख लेना है। देखिए जैसा भी ये अभी चल रहा है, मैंने क्या दिखाया था, ये 1366 रेजुलेशन में चल रहा है, देख पा रहा है ये 1366 768 का रेजुलेशन शो हो रहा है। तो ये कैसे शो होता है, आप लोगों को मैक्सिमम पता है जो लोग जंपर बोर्ड यूज करते हैं या तो 2K पैनल टेस्टर भी यूज करते हैं, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ रहता है सारे के सारे पॉइंटिंग। तो इसमें से ही आपको सिलेक्शन कर लेना है, जैसा मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैंने 1366 करके रखा है कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये 1366 768 8-bit 1 channel, इसके लिए क्या दिखा रहा है, ये एक नंबर, ये जो ऊपर में देखिए ABCDEFGH करके पॉइंट दिया हुआ है, और रेजुलेशन का हिसाब में किसको ऑन करना है उसका इंडिकेशन भी यहीं पे दिया गया है। जैसा कि 1366 768 8-bit 1 channel में ये सेकेंड मतलब बी को ऑन करना है, ये कहाँ पे ऑन ऑफ करना है ये देख लीजिए, यहीं पे स्विच दिया गया है,
रेजुलेशन चेंज करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ जो दो नंबर है इसको मैंने ऑन करके रखा। दो नंबर मतलब इस जो कलम है इसमें देखिए जो बी है, बी को मैंने ऑन किया। तो ऐसा ही अगर इसमें आप 19-20,080 करना चाहते हैं, 19-20,080 8 बिट वन चैनल अगर कोई पैनल में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए ए और बी दोनों को ऑन करना है, मतलब इसमें एक और दो को ऑन करना है। ऐसा करके आप लोग जितना भी आपका पैनल है जिस रेजुलेशन का भी है आप कुछ भी सेट कर सकते हैं इसमें से। जैसा कि एकदम नीचे का ऑप्शन है जो 4K के लिए 3840x2160 है, इसमें भी एक दो 3840x2160 का और एक है, एक दो और लास्ट में है, ये 4K ऑन लिखा हुआ है। इसमें और एक चीज़ आ जाएगा, 4K जब मैं कनेक्ट करूँगा तब मैं दिखाऊँगा इसमें 4K कैसे सेट हो रहा है। तो मैं पहले ये 1360 में है तो इसको एक बार मैं फुल HD पे करके देखता हूँ। तो फुल HD के लिए मुझे एक और दो को ऑन करना है, तो मैं पहले इसको स्टैंड बाई कर लेता हूँ। इसके बाद ये दो नंबर तो ऑन था, अभी एक को भी ऑन कर दिया, तभी मैं स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी सब कुछ ऑपरेटिंग हो जाएगा तो आपको देख लेना है। अभी इसको भी एक बार रीसेट करना है क्योंकि ये पुराना मेमोरी लेके रखा है, इसलिए इसमें पिक्चर अभी नहीं आ रहा है, रीसेट करने पे आ जाएगा। ये देखें 19-20,080 आ गया है और इसमें भी ये मैपिंग का इशू आ गया है। ये मैपिंग आप इसमें रिमोट से भी सेट कर सकते हैं और ये तो अलग चीज़ है क्योंकि हम लोग को ये जो मशीन है, ये जो मदरबोर्ड है, इसको हम लोग को पैनल पे लगाना है। तो मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो रिमोट से ही कैसे मैपिंग चेंज करना है तो मैंने बताया था, ये इसको दबाना है, ये जो ब्लैंक है देखिए मैं दबा रहा हूँ और ये चेंज है, देखिए ओके कंडीशन में आ गया है। तो ऐसा ही सेट करना है। तो अभी 19-20,080 में आ गया है। तो इसमें आप लोग जब पैनल पे भी लगाएंगे तो इसमें भी नॉर्मल यूनिवर्सल बोर्ड जैसा पैनल सिलेक्टर भी है, पैनल सिलेक्टर नहीं वोल्टेज सिलेक्टर, जो ये 3.3, 5 और 12, ये आप जितना वोल्ट का पैनल पे लगाएंगे तो पैनल सिलेक्शन पहले जो वोल्टेज सिलेक्शन तो पहले आपको कर लेना है। बाकी इसमें तो 1360 और जो HD और फुल HD का मैंने सेट करके दिखा दिया है। आप बाकी जितना भी रेजुलेशन है सब कुछ इसमें लिखा गया है, तो उसी के हिसाब से आपको ये जो बटन है इसको ऑन ऑफ करके देखना है। तो इसके बाद मैं एकदम सीधा चला जा रहा हूँ 4K आउटपुट कैसे हो रहा है। तो 4K आउटपुट के लिए मुझे ये LVDS को खोलना है, सेट को मैंने स्टैंड बाई कर दिया। तो इसको मैंने तो नॉर्मली जब हम लोग ये टेस्टर से टेस्ट करते हैं तो एक साथ में दो केबल हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए एक को खोलना पड़ा। तो बाकी ये जो LVDS है ये भी इस मशीन के साथ ही रहते हैं, तो इसको मैं यहीं पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये 4K आउटपुट करेगा। तो 4K के लिए भी क्या दिया हुआ है, इधर 3840x2160 का ए और बी, मतलब ये इसमें भी पहला का दो ही इसमें करना है और सॉकेट यहीं पे लगाना है। पहले ये यूनिवर्सल टाइप का था जो फुल HD तक का है, अभी ये 4K का सॉकेट है और इसमें भी 4K भी अवेलेबल है और 2K भी अवेलेबल है। तो मैं अभी इसमें पावर ऑन कर रहा हूँ। ये अभी पुराना डाटा लेके रखा है,
तो इसको भी एक बार रीसेट करना है। तो जो अभी ये नहीं ले रहा है ना ये 4K, ये इसका कारण है, इसमें दो कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये कनेक्टर को भी खोल लेना है इधर से, क्योंकि इसमें स्विच हो रहा है, एक बार इसमें स्विच हो रहा है, इसमें एक बार स्विच हो रहा है, तो इसको खोल लेते हैं। ये खोलने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए ये 38 40 21 60, ये 4K मोड में आ गया है। और इसमें देखिए जो 4K मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम आता है पैनल चेंज करने के टाइम, या तो मदरबोर्ड चेंज करने के टाइम, ये देखिए दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। ये बिफोर यू दो पार्ट में दिख रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मली पार्टीशन बोलते हैं, या तो ए बी पोर्ट बोलते हैं। तो इसको भी अगर चेंज करना है, इसका चेंज करने का तरीका इस बटन में दिया हुआ है। तो इसका जो लास्ट है ये 8 नंबर वाला जो ये जो पॉइंट है, इसको ऑन ऑफ करके ये जो पोर्ट हो रहा है इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने नीचे दबा दिया, ये ऊपर था, तो इसको भी मैं बंद करके और चालू कर रहा हूँ। ये 4K मोड में है अभी भी ये, इसको भी एक बार रीसेट कर लेता है। अभी भी दो पार्ट में ही है। तो इसका सिलेक्शन मैं करके देखता हूँ। ये देखिए अभी ये सिंगल में आ गया है। तो इसको अप एंड डाउन करके आप लोग ये जो पोर्ट ऑप्शन है ये आप लोग सेट कर सकते हैं। ये लास्ट वाला ये जो 8 नंबर का जो पॉइंट दिख रहा है, ये सिर्फ 4K का टाइम पे काम पे आएगा। 4K का टाइम में देखिए आपको एक और दो ऑन है, बाकी सब ऑफ कंडीशन में है। और ये 8 को हम लोग ऑन ऑफ करके पोर्ट सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, जो जो हॉरिजॉन्टली दोनों पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, इसको हम लोग सही कर सकते हैं इसमें से। तो इसमें से आप लोग देख पा रहा है, तो पहले मैंने HD रेडियो और FHD का आउटपुट मैंने दिखा दिया, और अभी इसमें जो 4K का आउटपुट है वो भी इसमें चल रहा है। तो आप लोग को इसमें दो का डेमो आप लोग को मिल गया है, एक ये मदरबोर्ड टेस्टर भी कैसे काम कर रहा है वो भी मिल गया है, और साथ में ये पैनल टेस्टर भी कैसे काम कर रहा है। तो ये अभी मार्केट में आया है, अभी नहीं कुछ दिन पहले किसी किसी को हाथ में लग गया है, और बहुत सारे टेक्नीशियन को शायद ये पता नहीं है, क्योंकि ये सब हम लोग को कभी अगर पैनल को टेस्ट करना है, हम लोग कभी कभी डाउट आ जाता है ये मदरबोर्ड ख़राब है या पैनल ख़राब है, तो उसी टाइम हम लोग को ये काम पे आएगा। नॉर्मल इसके आगे जो पैनल टेस्टर था वो 2K का ही था, तो ये 4K सपोर्टेड है। तो हम लोग टेक्नीशियन हैं, तो इसके लिए और भी एक मैं इसका अंदर का जो क्या सीक्रेट है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये 4K कैसे हो रहा है, नॉर्मली इसका अंदर भी जो V59 का जंपर बोर्ड होता है वैसा ही बोर्ड है, उसके साथ साथ में इसमें क्या किया हुआ है, ये इसमें एक अलग से IC लगा हुआ है जो 2K टू 4K में कॉन्वर्ट कर रहा है। उसके लिए इस बोर्ड में एक ये जो PCB है इसका ही नीचे, इसका बैक साइड में, और मेनली ये है मेन मदरबोर्ड है ये, और इसके ऊपर ये अलग से लगा हुआ है। तो इस PCB का जो नीचे साइड में है, इसका जो 2K टू 4K कन्वर्टर IC इसमें लगा हुआ है, जो हम लोगों को 2K भी देगा और 4K भी देगा आउटपुट। तो ऐसा करके हम लोग ये इसको यूज कर सकते हैं।
तो मैं इस वीडियो में इसमें इसका जो और भी अगर रिमोट का जो की है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी मैं दे दूंगा इसमें। तो शायद आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि ये नया टूल्स मार्केट में आया है, तो इसका बहुत कुछ जो फंक्शंस है और भी, अगर इसके बारे में कुछ कोई अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।